मरियम, तेरे हक में पुरलुत्फ बातें कही गई हैं। आज तूने फरिश्तों के ग्रोहों की निस्बत ज्यादा सरफराजी पाई है। तूने मसीह की दायमी फतह याबी में शरीक की गई है। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मेरे अजीजों, आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बरकतों की शाम है कि आज हम सब इकट्ठे हुए हैं मुकद्दसा मरियम की ताजपोशी के लिए। आज की शब हमारे लिए बरकतों की शब होने वाली है, जब आज मुकद्दसा मरियम की इज्जत में मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाया जाएगा। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी इस इबादत में शरीक होने से पहले अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, ताकि वाजिब तौर पर आज की इन रस्मात में हम शामिल हो सकें। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तू जो सब प्यार के लायक है, और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से, फिर हरगिज तुझे नाराज ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। Oh,
दुआ करें। अजली और अब्दी खुदा, तूने मरियम कंवारी की गरीबी और पस्तहाली को पसंद करके उसे ये आला फजल बख्शा कि तेरे इकलौते बेटे की माँ बनी। जब वो इंसान बनकर पैदा होने को था, तूने उसे आज के दिन शानदार इज्जत के साथ अजमत का वो ताज पहनाया जिसका दावा कोई और मखलूक नहीं कर सकती। उस मेहरबान कुमारी की दुआओं के तुफैल अता कर के तेरी नजात के भेद के जरिए रिहाई पाकर हम बुलंदियों पर तुझसे कबूल किए जाने के काबिल ठहरे। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। कलामी मुकद्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन 3:14-18 आयते मुकद्दसा तक। कलामी मुकद्दस में इस तरह से मरकूम है, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, चूँकि तूने ये किया, मलाउन है तू तमाम चरिंदों और दरिंदों में, तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी जिंदगी के तमाम आयाम तू खाक चखेगा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा ताकि तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान वो तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी की ताक में रहेगा। फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तो दर्द ही के साथ औलाद जनेगी, तो अपने शोहर के अख्तियार में रहेगी, तुझ पर वो हुकूमत करेगा। और आदमी से कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि इसे ना खाना, इसलिए ज़मीन तेरे सबब से लानती हुई। मेहनत के साथ तू अपनी ज़िंदगी के तमाम आयाम उसे खाएगा, वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी
और खेत की नबातात तेरी खुराक होंगी, तो अपने मुंह के पसीने से रोटी खाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो।
दूसरी तलावत मुकाशफा की किताब उसका 11वां बाब 19वीं आयत और 12वें बाब की पहली 6 आयत। और खुदा की हैकल आसमान में खुल गई और उसकी हैकल में उसके अहद का संदूक नज़र आया और बिजलियां और आवाज़ें और गर्जें पैदा हुईं और जलजला आया और बड़े बड़े ओले पड़े। फिर एक बड़ा निशान आसमान पर नज़र आया, यानी एक खातून जो सूरज को ओढ़े हुए थी और जिसके पाँव के नीचे चांद और सर पर 12 सितारों का ताज था। वो हामला थी और तकलीफ में होकर दर्द ज़ह के सबब से चलाती थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और देख सुरख रंग का एक बड़ा अजदहा जिसके 7 सर और 10 सींग थे और 7 ताज उसके सरों पर थे और उसकी दुमने आसमान के तहाई सितारों को खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया। फिर अजदहा उस खातून के आगे जिसका बच्चा पैदा होने को था जा खड़ा हुआ ताकि जब बच्चा पैदा हो तो उसे निगल जाए। और उसके यहाँ नरीना फरजंद हुआ जो लोहे के आशा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा और उसका फरजंद खुदा और उसके तख्त के पास तक उठा लिया गया। और वो खतून बियाबान में भाग गई जहाँ खुदा ने उसके लिए जगह तैयार की है ताकि वहाँ 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। उसके पहले बाब में से हम सुनेंगे। और इन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई
और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कियास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। इंजीले जलील के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मैं आज मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं फादर शकील लोका को, यंग जवान नौजवान लेकिन इस कलीसिया में फरांसाबाद में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि फादर शकील लोका के लिए एक दफा जोर से तालियां बजाई जाएं। आज के इस प्रोग्राम के लिए, मुकस्समा मरियम की ताजपोशी के लिए और कल के प्रोग्राम के लिए भी, कि जिस तरह उन्होंने सारे इंतजाम किए हैं खुदा उन्हें बरकत दे ताकि इसी तरह वो अपनी कलीसिया की खिदमत करते रहें और आपके लिए बरकात का वसीला बने। इंसानियत से पूछ नाम मरियम क्या है, गरीबों से पूछ पैगाम मरियम क्या है, अंबिया से पूछ इल्हाम मरियम क्या है, लूका से पूछ कलाम मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ एहतराम मरियम क्या है, रसूलों से पूछ काम मरियम क्या है, फरिश्तों से पूछ मकाम मरियम क्या है और खुदा से पूछ सलाम मरियम क्या है। बेऐब कुंवारी हैं तू मरियम, बेऐब कुंवारी हैं तू मरियम, तेनू कहंदे ने जनता दी छां मरियम, नूरी आन के करम सलाम तेनू, तेरा जिक्र होवे थां थां मरियम, ऐसे ले तेनू तन तन कहने आ उच्चा मावां विच्चों तेरा मां मरियम। मेरे अजीजो, आज का जो मौजू है मुकस्समा मरियम, रहम की मां, रहम का वसीला, रहम करने वाली, इस
बात को समझने के लिए कि मुकस्समा मरियम किस तरह रहम का वसीला है, किस तरह वो हमारे लिए रहम चाहती है, इस बात को समझने के लिए हमें पुराने अहदनामे में जाना पड़ेगा। और पुराने अहदनामे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्यात हैं कि जो मुकस्समा मरियम का अक्स जो है वो हमारे सामने रखते हैं, जिसमें सबसे पहले माई हवा है। अगर हम माई हवा को देखें और दूसरी तरफ मुकस्समा मरियम को, तो ये दोनों खवातीन जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम रखती हैं। मेरे जिजो, बागियादन में जब माई हवा और बाबा आदम दोनों इकट्ठे थे तो वहां पर शैतान आता है और आकर हवा को बहकाता है, और हवा जो है उसके बहकावे में आती है, उस कलमे को कबूल करती है, शैतान के कलमे को कबूल करती है। और दूसरी तरफ मुकस्समा मरियम वो खुदा के कलमे को कबूल करती है। एक तरफ औरत शैतान के कलमे को कबूल करके दुनिया में मौत का वसीला बनती है, मौत को लाती है, गुनाह को लाती है, और दूसरी तरफ मुकस्समा मरियम खुदा के कलमे को, सच्चे कलमे को, हकीकी कलमे को कबूल करती है। और एक तरफ मौत और दूसरी तरफ मुकस्समा मरियम जिंदगी को इस दुनिया में लाती है, निजात हिंदे को इस दुनिया में लाती है। इसलिए मुकस्समा मरियम को समझने के लिए माई हवा को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक औरत जो गुनाह लाती है, दूसरी औरत जिंदगी को, निजात दहिंदे को इस दुनिया में लाने का वसीला बनती है। यह पहली बात है मुकस्समा मरियम रहम की वसीला बनने का। दूसरी बात, जबूर नवीस यह बयान करता है कि वो अपने मकदस को, वो अपने मकदस को कभी सड़ने नहीं देगा। मकदस क्या है? अगर आप चर्च में जाएं तो वहां पर अहद का संदूक है, जिसे होली ऑफ होलीज, पाक तरीन जगह, जिसको सिर्फ काहिन जो है वो छू सकता है, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। पुराने अहदनामे में इस मकदस में सिर्फ काहिन जाते थे, और वो भी हर रोज नहीं, साल में एक दफा या दो दफा जाते थे। और जबूर नवीस इस मकदस के बारे में बयान करता है कि वो अपने मकदस को कभी सड़ने नहीं देगा। मेरे जीजो, जबूर नवीस यहां पर मुकस्समा मरियम की तरफ अकासी करता है के मुकस्समा मरियम खुदा का मकदस बनती है, उसके बतन में खुदा का बेटा आता है, उसके बतन में खुदा का कलमा आता है। इसलिए मुकस्समा मरियम खुदा का मकदस बनती है, खुदा का पाक तरीन घर बनती है। मुकस्समा मरियम वो जगह बन जाती है जहां पर खुदा अपना घर बनाता है, जहां पर खुदा पनाह लेता है। और मुकस्समा मरियम खुदा की चलती फिरती हैकल बनती है, खुदा का चलता फिरता खेमा बन जाती है, क्योंकि उसके बतन में खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है। इसलिए जबूर नवीस जब ये बात करता है तो वो मुकस्समा मरियम की तरफ भी इशारा करता है। मेरे जीजो, नए अहदनामे में अनाजील में बहुत खूबसूरती से खुदा यीशु मसीह ये बयान करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब
यूहन्ना 12वां बाब, 7वां बाब और मरकुस उसके 14वें बाब में खुदा यीशु मसीह हैकल के बारे में बात करता है। अभी दोबारा मैं हैकल की बात करने लगा हूं कि हकीकी हैकल कौन था। खुदा यीशु मसीह जब हैकल में आते हैं और वहां पर लोगों का हजूम देखते हैं, कारोबारी लोग, और खुदा यीशु मसीह उन्हें छांटा लेकर निकालते हैं, उन्हें वहां से निकालते हैं और खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है। ये अल्फाज खुदा यीशु मसीह के हैकल के बारे में है कि मेरे खुदा के घर को, अगर खुदा यीशु मसीह खुदा की हैकल के बारे में इतना गुस्सा करते हैं, लोगों को, कारीबार जो लोग हैं उनको वहां से निकालते हैं, तो क्या खुदावंद यीशु मसीह, जिसको खुदा ने मां मरियम को उसने हैकल बनाया, क्या खुदावंद यीशु मसीह ये बात कबूल करेगा कि उसकी मां की या उसकी खुदा की जो हैकल है उसकी हकारत हो? मेरे जीजो, कभी भी नहीं। खुदा में यीशु मसीह इसलिए उनको निकालते हैं क्योंकि वो खुदा की हैकल की तजलील करते हैं। तो क्या अगर हम मुकस्समा मरियम, जो खुदा के कलमे की पहली पनागा है, खुदा के बेटे की माँ है, क्या वो उसके बारे में हकारत या उसके बारे में जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, क्या खुदा में यीशु मसीह उसके उन लोगों को बर्दाश्त करेगा? वो उन लोगों को भी छांट से निकालेगा, छड़ी से निकालेगा। इसलिए मेरे जिजो, मुकद्दसमा मरियम खुदा की चलती फिरती हैकल है। मुकद्दसमा मरियम खुदा के बेटे की मां बनी ताकि इस दुनिया में रहम हो। अभी हम काना जलील का वाक्या देखते हैं। काना जलील में जब खुदा में यीशु मसीह ये अल्फाज कहते हैं कि ऐ औरत, तुझे और मुझे क्या, शादी के इस प्रोग्राम में जब मुकस्समा मरियम को पता चलता है कि घर के लोग परेशान हैं, तो वो बेटे के पास आती है और दरख्वास्त करती है, और खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज कि हनूज मेरा भी वक्त नहीं आया है। खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज पहली दफा नहीं कहते हैं। खुदा यीशु मसीह जब जब उसे पता चलता था कि मैंने दुख उठाने हैं, मैंने दुखों में से गुजरना है, मैंने मौत का सामना करना है, तब तक खुदा यीशु मसीह ने कहा कि हनूज अभी वक्त नहीं आया है। ये अल्फाज बहुत अहम अल्फाज हैं, और खुदा यीशु मसीह जब ये कहता है कि ऐ औरत, जब खुदा यीशु मसीह ये अल्फाज कहते हैं, तो वो दरअसल हमें ये बताना चाहते हैं कि मैंने जो अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया है, जो मौजा काना जलील में आज खुदा यीशु मसीह ने करना है, अपनी मिशन का आगाज करना है, खुदा यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का, अपनी बादशाहत, खुदा की बादशाहत का जो आगाज करना है, वो दुखों का रास्ता है जो खुदा यीशु मसीह आगाज करने को है। इसलिए खुदा यीशु मसीह आज खास तौर पर ये लकब देते हैं कि ऐ औरत, क्योंकि खुदा यीशु मसीह को पता है कि अभी मैंने दुखों में से गुजरना है, अभी मैंने मरना है, और मरकर जी उठकर मैंने इस दुनिया को गुनाह से पाक साफ करना है। और ऐ औरत,
आज से तू सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरे मरने और मेरे जी उठने से तू पूरी दुनिया की कुल कायनात की माँ बन जाएगी। इसलिए खुदा यसु मसीह ये अल्फाज जब कहते हैं कि ऐ औरत हनूज अभी मेरा ये वक्त नहीं आया, तो ये दोनों अल्फाज जो हैं इस बात की अकासी करते हैं कि खुदा यसु मसीह अपनी माँ को सबको दे देते हैं कि ऐ औरत। खुदा यसु मसीह इन अल्फाज के जरिए अपनी माँ जो है उसे लकब दे देता है कुल कायनात को। मेरे अजीजो, अगर मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी को भी ये रुतबा मिल जाए या ऐसा कुछ हो जाए कि हमें खुदा बना दिया जाए, खुदा बन जाए, तो हम क्या करेंगे? सारा इख्तियार हमारे पास हो, इतना इख्तियार कि मैं सब कुछ कर सकूं, हर एक काम जो मैं चाहूं, अगर ये इख्तियार हमारे पास आ जाए तो हम सबसे पहले जो अपनी माँ से प्यार करते हैं अपनी माँ के बारे में सोचेंगे कि मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो, मेरी माँ को कोई दुख ना हो, मेरी माँ को किसी ऐसी चीज को मांगनी ना पड़े कि सिर्फ वो हुक्म करे और हो जाए। अगर ये इख्तियार हम में से किसी को मिल जाए तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारी माँ दुख उठाए, और सबसे बढ़कर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारी माँ मौत का सामना करे, ये चाहेंगे कि हमारी माँ हमेशा जिंदा रहे। लेकिन हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, लेकिन एक शख्स खुदा यसु मसीह जिसके पास ये इख्तियार था कि वो फरिश्तों को हुक्म देता है कि उसकी माँ को सजदा करें, उसको ये इख्तियार दिया गया कि वो अपनी माँ को मौत से बचा सके, क्योंकि खुदा यसु मसीह को ये इख्तियार दिया गया, उसने मौत के जरिए जिंदगी का वो ताज हासिल किया कि जिसके जरिए वो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकता था। इसलिए जो जबूर नवीस ने अल्फाज कहे कि वो अपने मकदस को कभी सड़ने नहीं देगा, तो खुदा यसु मसीह के पास ये इख्तियार था कि वो अपनी माँ को ना गलने देता, ना सड़ने देता और ना ही मरने देता। मुकस्समा मरियम के नाम की, मुकस्समा मरियम के नाम की। इसलिए मेरे अजीजो, मुकस्समा मरियम ऐसे बेटे की माँ थी जिसने अपनी माँ को कुल कायनात की मालिका मलका होने का इख्तियार बाप से दिलवा दिया, जिसने इख्तियार हासिल किया कि उसकी माँ को आसमान में बाप के तख्त के साथ उसकी ताजपोशी हो, जिसमें सितारे उसके ताज में है, सूरज को वो ओढ़ती है। मेरे अजीजों, हमारे अंदर तो ये इख्तियार नहीं है, लेकिन खुदावंद यसु मसीह के अंदर ये इख्तियार था, उसने ये इख्तियार हासिल किया। मुकद्दस मैक्सिमिल कोलबे बहुत खूबसूरत अल्फाज बयान करता है, वो कहता है कि अगर हम इंसान मुकस्समा मरियम को सलाम ना करें, उसकी इज्जत ना करें, तो उसका बेटा है जो हमसे ज्यादा अपनी माँ की इज्जत करता है, जो हमसे ज्यादा अपनी माँ का एहतराम करता है, जो हमसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करता है, इसलिए हमारे एहतराम कि शायद उसे इतनी जरूरत ना हो, क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया का, इस कायनात का बादशाह है, उसे हमारे प्यार की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उसका बेटा ही उसके लिए बहुत बड़ा प्यार है। मेरे जिजो, आज
बहुत सारे लोग शायद मुकस्समा मरियम को इसलिए इस्लाम करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने मुकस्समा मरियम ने अपना काम ख़त्म कर दिया है। ऐसी बात नहीं है। तीसरा बहुत अहम नुक्ता, जब हम रोजरी पढ़ते हैं, जब हम सलाम मरियम पढ़ते हैं, फरिश्ते का ये सलाम पढ़ते हैं, तो ये मुकस्समा मरियम के आगे दुआ नहीं है। हम बहुत दफा, बहुत सारे लोग इस बात को गलत रुक देते हैं, गलत सूरत देते हैं कि हम मुकस्समा मरियम के आगे दुआ करते हैं। हम रोजरी के जरिए मुकस्समा मरियम के साथ मिलकर, मुकस्समा मरियम हमारे साथ मिलकर वो दुआ करती है। आज से ये बात अपने जहनों से निकाल दें कि मुकस्समा मरियम के हम हजूर दुआ करते हैं, बल्कि हम मुकस्समा मरियम के साथ मिलकर दुआ करते हैं। और रोजरी जो है ये पुल है, ये वृत के पुल है जो हम मुकस्समा मरियम के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर व खोज करके, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर उसकी माँ के साथ मिलकर गौर व खोज करके हम जब भी इस्लाम मरियम पढ़ते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह को उन दुआओं के फूल जो है वो पेश करते हैं। इसलिए बहुत दफा जब ये अल्फाज कहे जाते हैं कि मुकस्समा मरियम के हजूर हम सिर्फ उसकी सिफारिश हासिल करते हैं, वो हमें अपने बेटे के पास लेकर जाती है। माँ जो असी माँ के कोल आने सलाम करने वास्ते, तो सानू पता वे कि माँ जड़ी है उन्हें सारिया गल्लां दा पता हुंदा, उन्हें पता है कि मेरे बच्चों नू कादी जरूरत है, किस चीज़ की जरूरत है। मुकस्समा मरियम कुल कायनात की माँ है, और जब हम मुकस्समा मरियम के पास आते हैं, जब हम मुकस्समा मरियम के पास आकर दुआ करते हैं और वो हमारी मदद करती है। अगर किसी को जानना हो हकीकी तौर पर या हकीकतों को जानना हो तो माँ से पूछें, क्योंकि माँ को पता है कि जिसने जन्म दिया है, जिसने एक एक लम्हा बच्चे के साथ गुजारा है, और हकीकतें जो है वो बता सकती हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमने जाना है तो सबसे बेहतर जो जरिया है वो मुकस्समा मरियम है। बहुत सारे ला इंतहा मुकद्दसीन ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का नस्बो लैन जो था वो रोजरी था, जिसमें पादरे पियो अपनी जिंदगी में उसने सबसे ज्यादा जो विर्द किया वो रोजरी थी। हर वक्त वो रोजरी पढ़ता था, रोजरी के साथ उसका इतना गहरा तल्लुक था, और ये तल्लुक जो है उसने खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे भेद अपनी जिंदगी में देखे। मुकस्समा मरियम ने बहुत सारे भेद पादरे पियो की जिंदगी में अया किए। इसलिए मुकद्दस पादरे पियो जब पाकमस करते थे, इबादत करते थे, तो हम आज एक घंटे की करते हैं, या बहुत लंबी इबादत करे तो डेढ़ घंटे की। पादरे पियो सात सात घंटे की पाकमस करते थे, सात सात घंटे की। क्यों? क्योंकि उसने हकीकी तौर पर मुकस्समा मरियम के जरिए खुदा यीशु मसीह को जान लिया था, उसने इस बात को मान लिया था कि यह पाकमस जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान करता है, जिसमें खुदा यीशु मसीह अपने आप को तोड़ता है, वो एक एक लफ्ज पर गौर व खोज करके तो पाकमस अदा करते थे। क्योंकि मुकस्समा मरियम जिसके साथ पादरे पियो का बहुत गहरा तल्लुक था,
माँ ने उस पर बहुत सारे भेद अपने बेटे के उस पर अया कर दिए, उसकी मदद कर दी। इसलिए अगर हम भी खुदा यसु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मुकस्समा मरियम के पास जाना हमारे लिए जरूरी है। मुकस्समा मरियम के नाम की, मुकस्समा मरियम के नाम की, खुदा यसु मसीह के नाम की, हालेलुया। वो जब भी दुआ करता है मरियम से शुरू करता है, आग पानी मट्टी और हवा मरियम से शुरू करता है। मैं अकेला ही नहीं, असद मरियम से शुरू करता, या तो खुद खुदा भी मरियम से शुरू करता है। मेरे अजीजो, अभी आखिरी नुक्ता जो है रहम का, मुकस्समा मरियम रहम की माँ कैसे बनती है। पिछले जो हमने नुक्ते देखे हैं उसमें हमने मुकस्समा मरियम की सरफराजी देखी है। मुकस्समा मरियम किस तरह बाप से बरकत हासिल करती है, और पुराने अहदनामे में भी, फिर नए अहदनामे में। अभी हम ये देखते हैं कि वाकई वो रहम का वसीला है। लफज रहम ये अबरानी जुबान में रहम है। रहम माँ के बतन का वो हिस्सा है जहां पर बच्चा परवरिश पाता है। रहम, रहम और रहम दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अबरानी जुबान में रहम को रहम कहते हैं। जब हम सलाम मरियम पढ़ते हैं तो उसमें भी जो लफज है, हम बहुत दफा ये कहते हैं कि रहम, लेकिन वो रहम है। ये माँ के बतन का वो हिस्सा है जहां पर बच्चा परवरिश पाता है। इसलिए रहम जो है वो माँ से शुरू होता है। आज ये बात हमारे लिए बहुत आम है कि दुनिया में रहम आया, दुनिया पर रहम हुआ, दुनिया पर रहम का वसीला सबसे पहले माँ बनती है। इसलिए मुकस्समा मरियम को यह फजल दिया गया, उसे यह बरकत दी गई, उसको फजल से भरपूर कर दिया गया। और मुकस्समा मरियम के जरिए, खुदा यसु मसीह की पैदाइश के जरिए इस दुनिया पर रहम होता है। जब खुदा यसु मसीह अपनी माँ के बतन में थे तो वो वहां पर दुनिया पर रहम करने के लिए परविश पाते हैं, तरबियत पाते हैं। और जब खुदा यसु मसीह माँ के हाथों में, उसकी गोद में रहकर तरबियत हासिल करता है, तो मेरे अजीजों, जो रहम, जो बरकत, जो तरबियत खुदा यसु मसीह ने अपनी माँ से हासिल की है, उसी तरबियत के तौर पर वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है कि जो कुछ उसने माँ से सीखा है, जो कुछ अपने माँ के बतन में, और फिर जो अपनी माँ की गोद में बैठकर उसने सीखा है। इसलिए मुकस्समा मरियम रहम की माँ है, क्योंकि जिसने इस दुनिया पर रहम किया है वो उसकी गोद में तरबियत हासिल करता रहा है। उसने जो रहम किया है वो सब कुछ पहले अपनी माँ से सीखा है। इसलिए मुकस्समा मरियम रहम का वसीला है। जो कुछ खुदा यसु मसीह ने सीखा है वो अपनी माँ से सीखा है, और माँ इसलिए रहम का वसीला बनती है, माँ इसलिए बरकत का वसीला बनती है इस दुनिया के लिए। आखिर में माई हवा और मुकस्समा मरियम का जहां से मैंने शुरू किया वहां पर मैं आखिर करना चाहूंगा। तकवीन में ए औरत,
11 दफा इस्तेमाल हुआ है और मुकस्समा मरियम के लिए यह लफ्ज 2 दफा नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है। शैतान आदम और हवा को गुनाह के लिए बुलाता है, दूसरी तरफ मुकस्समा मरियम अपने बेटे को पहला मौजा करने के लिए बुलाती है। माई हवा और बाबे आदम को ये मंसूबा सौंपा जाता है कि तेरी नस्ल में से एक ऐसा आएगा जो शैतान को शिकस्त देगा, और नए अहदनामे में मुकस्समा मरियम को ये जिम्मेदारी दी गई कि उसका बेटा शैतान के सर को कुचलेगा। मेरे अजीजो, ये बरकत, ये फजल, ये रहम, ये सफर माई हवा से शुरू होता है और मुकस्समा मरियम पर ये खत्म होता है। इसलिए मुकस्समा मरियम वो नई हवा बनती है जो शैतान के सर को कुचलकर दुनिया के निजात दहिंदे को पैदाइश देती है और इस दुनिया में अपनी बरकत जो है वो नाजल फरमाती है। इसलिए मेरे अजीजो, हम जब भी मुकस्समा मरियम के पास आए तो हम ये ना सोचे कि हम मुकस्समा मरियम को सजदा करने आए हैं, मुकस्समा मरियम के आगे दुआ करने आए हैं। ये सब कुछ सिर्फ हम ताज़िमी तौर पर करते हैं, ना कि हम मुकस्समा मरियम को खुदा मानते हैं। मुकस्समा मरियम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सिफारिशें करती है, और जब हम सलाम मरियम पढ़ते हैं तो हम मुकस्समा मरियम के साथ मिलकर दुआ करते हैं। एक बात हमेशा याद रखे कि जब मुकस्समा मरियम के पास आते हैं तो किसी ने बहुत खूबसूरती से यह कहा है कि दिल दियां गल्लां सिर्फ मां नाल हुंदियां, दिल दियां गल्लां दिल दे पे जड़े ने ए मां दे अगे असीं खोल सकने आ, ते मां ही उन्हां पेतां नूं उन्हां गल्लां नूं अपने दिल च रख के ते अपने बच्चों वास्ते दुआ करदी। असीं भी जदों मुकस्समा मरियम दे कोल आने आ ते अपनियां गल्लां, दिल दियां गल्लां, अपने दुख, अपने मुसीबतां, अपने बीमारियां जदों असीं मुकस्समा मरियम दे सामने रखने आ तो सारियां दुआवां, सारियां परेशानियां बेटे दे कोल लैके आ जांदी। इसलिए मुकस्समा मरियम हमारे लिए हमेशा दुआ करती है, अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। इसलिए हम कभी भी ये ना सोचते कि मुकस्समा मरियम वो हमें छोड़ देती है। मावा कभी भी अपने बच्चों को भूल नहीं सकदियां, चाहे ये जमीन ते ने या आसमान ते ने, मावा हमेशा अपने बच्चों के नाल रहिंदियां। इसलिए मुकस्समा मरियम भी हमेशा अपने बच्चों के नाल ते हमेशा अपने बच्चों वास्ते दुआ कर दी। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतूस पिला तो उसके अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरजख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का अधर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकदसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। हम अपनी तमाम दुआ इल्तिजाएं जो हमारे दिलों में हैं खुदा के हुज़ूर पेश करें। हम ख़ास तौर पर दुआ करेंगे इंद्रियास इमैनुअल के मेहरबान बाप इनको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। दुआ भी करेंगे इंताश इमैनुअल के लिए और तनवीर के लिए
जो बीमार है कि मेहरबान कादर मुतली खुदा बाप अपने इन बच्चों पर शिफा वाला हाथ रखे, अपने शिफा वाले पाक खून से मसा करे और हर किस्म की दुख बीमारी तकलीफ से आज़ाद करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगें पापा आज़म पोप फ्रांसिस के लिए कि खुदावन इनको अपनी पाक पनाह हिफाजत में रखे ताकि ये तमाम कैथलिक कलीसिया की बेदारी रूहानी और जोश जज्बे से करें। अजीज़ो इस नेक मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें फजीलत माब आर्च डायसिस ऑफ लाहौर बिशप्स बस्टियन फ्रांसिस शाओ के लिए कि खुदावन यसू अल मसीह उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो रूहानी कलीसिया की बेदारी के लिए बड़े एहसन तरीके के साथ काम करें। अजीज़ो इस खास मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें कैप्शन बरादरी के लिए कि खुदावन जिंदा खुदा जो सारी कौमों का खुदा है सारी बरादरी को अपनी पनाहगाह में महफूज रखे और जो काम मसीहियत के लिए करें तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें आली जनाब तुकदस माँ आप फादर फ्रांसिस लीपियो के लिए जो फ्रांसाबाद के बानी हैं कि खुदावन यसु इन्हें तंदुरुस्त तना रखे ताकि वो अपनी बाकी खिदमात को जो खुदावन ने उनके लिए रख छोड़ी हैं पूरा कर सकें। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कलाम मुकद्दस के लिए। ऐ अजली खुदा तेरा कलाम अबद से ज़िंदा मौसर और कायम है। तू कदीम ज़माने से तरह बतरा और वक्त बे वक्त इंसानों से हम कलाम होता रहा है। तेरे कलाम ने कायनात और इंसानों को खलक किया। तूने अपने कलाम के ज़रिए नबूवत मार्फत हिकमत और बशारत बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हम तक पहुँचा है। हम तेरे कलाम का तर्जमा तशरी अशायत और तहशर करने वालों के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए बेरोज़गारों के लिए और बे औलाद जोड़ों के लिए कि खुदावन जो शिफाओं का मंबा है अपने दस्ते कादिर से शिफा अता करे और बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करे और बे औलाद जोड़ों को औलाद जैसी नेमत अता करे ताकि सब लोग खुशी और शादमानी के साथ ज़िंदगी बसर करें। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें कोरोना वायरस के खात्मे के लिए और उन मरीज़ों के लिए जो मुबतला हैं कि खुदावन खुदा सारी दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा करे और उन मरीज़ों को जो घरों और हस्पतालों में पड़े हैं खुदावन उन्हें शिफात अता करे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं तमाम फादर साहबान सिस्टर साहबान और मुबशराने अंजील के लिए कि प्यारा खुदावन इन्हें दुनिया की इंतहा तक अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे और दुआ करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली सलामती और बका के लिए कि प्यारा खुदावन वतन अजीज़ को नज़रबद से बचाए और दुआगो हैं इस्तकाम वाले बच्चों और बड़ों के लिए कि खुदावन खुदा इन्हें अपनी कुर्बत में महफूज रखे। अजीज़ो इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ मेहरबान खुदा बारिक कुमारी मरियम की सिफारिश की खातर हमारी जमायत को अपनी पनाह मिले। हम इनकसारी के साथ उससे मिन्नत करते हैं कि तू रहम फरमा और हमें फरेबी दुश्मन के फंदे से महफूज रख मसीह खुदावंद के वसीला से। Oh, oh, oh.
करने लगी। Yeah.
अज़ीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतली बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अमकदसा मरियम कवारी के आसमान पर जाने की ईद मनाते हुए तेरे हजूर कफारे और हम्द की कुर्बानी चढ़ा रहे हैं, इसे कबूल कर, बख्श दे कि ये हमें तुझसे माफ़ी पाने के लायक और हमेशा के लिए तेरा शुक्र करने के काबिल ठहराए, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि हमें बचाए और छुड़ाए, रूह कुद्दस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क्यामत को जहूर में लाए। इसलिए हम सब कसों और फिश्तों के साथ मिलकर ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस 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 खुदा मन लश्रों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आल में बाला पर होशना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आल में बाला पर होशना। सब दुजाना हो। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क्यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा।
हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामल इज्जत और ताजीम शाया है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और से वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है, आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो, आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर, ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत कर। और मेरे अजीजो, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में भुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे हाथ, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शफा पाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बंधन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे, आमीन। एक जरूरी ऐलान है, पाक्षाकत लेने के बाद सभी मेहरबानी से बैठे रहें, दुआ करें, इसके बाद रस्म ताजपोशी होगी, कोई भी कलमाते बरकात से पहले वो नहीं जाएगा, और रस्म ताजपोशी के बाद दुआया शफाया इबादत होगी, मुल्तजी दुआया शफाया ग्रुप जिसके बानी रेवरेंड फादर शकील अनायत हैं।
दाऊद की नस्ल से कमारी है दायमन, दाऊद की नस्ल से कमारी है दायमन। उसके गीत शहादत के वास्ते नाम में, उसके गीत शहादत के वास्ते गाऊंगा एक गीत इबादत।
मुबारक है मुकद्दसा माँ मरियम कंवारी जो कि अजली बाप के बेटे की माँ बनी। हम दुआ करें, ऐ खुदावंद हमारे खुदा, आसमानी ज़ियाफ़त में शरीक होकर तेरा रहम तलब करने की जुर्रत करते हैं। अनायत कर के हम खुदा की माँ के आसमान पर उठाए जाने के काबिल होकर उन सब आफतों से बचे रहें जिनका हम पर आने का डर होता है। हमें ये तौफीक अता कर मसीह खुदावंद के वसीला से। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल की क्यादत में रस्म ताजपोशी अभी होगी। अभी सॉन्ग के साथ तमाम एंजल्स वो पहाड़ी की तरफ आएंगे। Hear the Madonna fall.
sweet, sweet mother. Hear, oh hear thy feeble child. Oh, sweet, sweet mother. Oh, exalting cherubim and rejoicing seraphim. Oh,
तालियों में इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए, इन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की है। मुकस्समा मरियम के नाम की, मुकस्समा मरियम के नाम की, कुरान यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया। Thank you.
जोरदार तालियों में, जोरदार तालियों में।